नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोयल JEE अकेडमी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर एलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, जिनके बेसिक कुछ क्वेश्चंस के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्स की पावर एक्स रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स रूट एक्स की पावर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो, ऐसे बेसिक क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले घातांक में करने का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि घातांक करने का कंसेप्ट क्या है। देखिएगा, घातांक करने के कंसेप्ट की हम बात करें तो दो बेसिक फंडामेंटल के बारे में इस क्वेश्चन में नीड है। यदि आपका आधार समान है और घाते अलग अलग हैं, आधार समान हो घाते अलग अलग हो और दोनों डेटाओं के बीच में डॉट, डॉट का मतलब है गुणा, गुणा का चिन्ह हो तो आपकी घाते जुड़ जाएगी, तो आप बोलोगे एक की घात एम प्लस है। और इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा फंडामेंटल क्या काम आने वाला है, यदि आपका आधार समान हो, दोनों के बीच में डिवाइड का साइन हो, डिवाइड का साइन हो तो आपकी घाते हमेशा क्या हो जाएगी, प्लस की जगह माइनस हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट क्या है, यदि आपका बेस इक्वल हो, बराबर का साइन हो तो आप बेस को बेस से कैंसिल आउट कर दोगे और बोलोगे पावर जो होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बच्चों, इन तीनों बारों के बातों के बारे में आपको यदि पता है तो आप यहाँ इस फंडामेंटल को लगाएं, एक्स गुणा रूट एक्स, रूट का मतलब होती है पावर एक बटे दो। अब आप एक बात बताओ, ये दोनों डेटा आपस में मल्टीप्लाई में है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या मानोगे आप, एक, और एक जगह पावर कितनी है, एक बटे दो। तो आप इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते क्या बोलोगे, एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर वन प्लस वन बाय टू इक्व टू। यदि आप इस बात को यहाँ देखते हैं तो x की पावर 1 प्लस वन बाई टू और होल पावर क्या लिखा हुआ है, x। अब देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को जैसे कंटिन्यू करते हैं, पावर के ऊपर पावर है तो 1 प्लस हाफ क्या बोलेंगे हम, 3 बाई टू। एंड आगे जैसे ही कंटिन्यू करेंगे 1 प्लस हाफ ये भी क्या है आपका, 3 बाई टू। पावर के ऊपर पावर है तो पावर यहाँ भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और पावर जैसे ही मल्टीप्लाई होगी तो पावर क्या बोलोगे, x की पावर 3 बाई टू, और x की पावर 3 बाई टू, पावर के ऊपर पावर गुणा तो 3 बाई टू इंटू क्या कर दोगे, x। बच्चों एक बात देखो, आप जब इन दोनों को देखते हो तो इन दोनों का आधार आज की तारीख में क्या है, समान। और जब आधार समान है, बराबर का साइन है तो आप आधार से आधार कैंसिल आउट करोगे, और जैसे आधार से आधार कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरा डेटा बचा x की पावर 3 बाई टू इक्व टू 3 बाई टू इंटू x। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर क्या है, 3 बाई टू। ये डेटा जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और दूसरी तरफ जैसे डिवाइड में जाएगा तो आप देख रहे होंगे कि दोनों का आधार क्या है, समान। और जब आधार समान हो, डिवाइड हो तो आपकी जो पावर्स है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब घाती आपकी क्या हो जाएगी, माइनस। आप इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बोलने वाले हो x की पावर 3 बाई टू माइनस 1 की इक्व टू 3 बाई टू, राइट। अब 3 बाई टू में से 1 मतलब डेढ़, डेढ़ में से एक गया तो कितना बचा, आधा। और जब इस बात को फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो आप देख रहे होंगे तो x की पावर क्या आ रही होगी, 1 बाई टू, और इक्व टू कितना है, 3 बाई टू। प्यारे मित्रों, आपसे वैल्यू पूछी गई है किसकी, x की, और अभी हमारे वैल्यू किसकी निकल गई है, x की पावर 1 बाई टू की, मतलब रूट x की वैल्यू 3 बाई टू है और आपसे पूछा गया है x। तो यदि ऐसी बात है तो आप इन दोनों डेटाओं को क्या कर दोगे, स्क्वायर। और जैसे आपने इन दोनों डेटाओं को स्क्वायर किया तो x तो यहाँ हो जाएगा और 3 बाई टू का स्क्वायर क्या आएगा, 9/4, जो आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि आपका ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है a की पावर 2x प्लस 2 इक्व टू 1, देन आपसे बोला गया था वैन, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो प्यारे मित्रों, आप इसका बेसिक समझे, आपका दे रखा है a की पावर 2x प्लस 2 इक्व टू 1। अब यदि आपका ये डेटा दे रखा है तो सबसे पहले ये देखो कि आपके बराबर में एक दे रखा है, कैसे इस 1 को मैं इसकी पावर के बराबर करूं। तो सबसे पहले जब हमारे दिमाग को ये बात आएगी तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाला हूं, एक, एक के बारे में सोचने वाला हूं, ये एक कैसे आएगा। तो आप जब सोच रहे होंगे तो एलजेब्रा का एक बेसिक कंसेप्ट घातांक करने में क्या बोलता है, जब किसी की भी पावर जीरो हो,
जब किसी भी एलिमेंट की पावर जीरो हो तो उसका जो रिजल्ट होगा उसकी रिजल्टेंट वैल्यू किसके बराबर होगी, वन के बराबर होगी। अब जब आप ये समझ गए उसकी रिजल्टेंट वैल्यू वन के बराबर होगी तो मैं किसी की भी पावर जीरो लिख दूँ। अब सवाल ये है कि किसकी पावर जीरो लिखूँ, तो हमें डेटा यदि इसको ए को गायब करना है, रिमूव करना है, तो मुझे यहाँ ए की पावर जीरो लिखनी चाहिए। ऐसा करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा? जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ तो देखो हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, ए की पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू ए की पावर 0। ए से हमारा ए कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू जो मेरी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, माइनस 1 निकल के आएगी, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया हुआ है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन ऑफ x की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और आपसे बोला गया है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों आपको ये द्विघात समीकरण दिख रही होगी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के अंदर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखिए पहले आप इसका एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर कीजिए। बेसिक फंडामेंटल क्या है, यदि मैं आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो देखो यदि आपका कोई फंक्शन ऑफ ए एक्स एफ एक्स, यदि एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दी गई हो और आपसे बोला गया हो, तो आपके सामने तीन कंडीशन हो सकती है। हो सकता है ए ग्रेटर देन जीरो हो, ए इक्वल जीरो हो, ए ग्रेटर देन जीरो हो, और ए जो है आपका लेस देन जीरो हो। तीनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। यदि प्यारे बच्चों ए इक्वल टू जीरो हो तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमेशा एक लीनियर इक्वेशन निकल के आएगी। कौन सी इक्वेशन निकल के आएगी, लीनियर इक्वेशन। आप इस लीनियर इक्वेशन को बोलोगे एक घातीय समीकरण। कौन सी समीकरण बोलने वाले हो, एक घातीय समीकरण। अब हम इसके आगे बढ़े, यदि a ग्रेटर देन जीरो हो तो ऐसे केस में आपको यदि b की वैल्यू निकालनी हो, b हम बोल सकते हैं सॉरी x की वैल्यू निकालनी हो, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की एक वैल्यू जो मैक्सिमम निकल के आएगी वो आपके निकल के आएगी b अपॉन 2a। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, b अपॉन 2a। यदि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा एक मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। फंक्शन की जो वैल्यू निकलेगी हमेशा कौन से निकलेगी, मिनिमम। कौन से केस में, यदि a ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा माइनस की d अपॉन 4a होगी। यस, अब जैसे कि a लेस देन जीरो हो, यदि आपका a लेस देन जीरो हो तो ऐसे केस में x की जो वैल्यू निकलेगी वो एक मिनिमम निकलेगी, वो क्या निकल के आएगी, माइनस की b अपॉन 2a। पर यदि इसके फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू प्यारे बच्चों हमेशा एक मैक्सिमम निकल के आएगी, और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो भी सेम निकल के आएगी, माइनस के d अपॉन 4a। तो आप इनकी वैल्यू समझ चुके होंगे। जब मुझे इस फंडामेंटल के बारे में पता लग गया तो मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में चलता हूँ। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन की आपसे पूछी गई है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारी इक्वेशन से हम कंपेयर कराते हैं, इक्वेशन बनेगी हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैं इसका कंपेयर कराऊँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो हम देख पा रहे होंगे कि जो a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1, एंड b की वैल्यू जब हम देख रहे होंगे तो b की वैल्यू हमारी क्या निकल रही है, माइनस 1, एंड c की वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो c की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ रही है, माइनस 1। तो देखो प्यारे बच्चों a b c की जब मैं वैल्यू पूछ चुका हूँ और आपसे पूछा गया इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालो, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, माइनस के डी अपॉन 4a। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यार ये d क्या है, तो प्यारे बच्चों d क्या है, d के बारे में बता देता हूँ। d की वैल्यू हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac होगी। d की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, x का एक गुणांक, c क्या है, कांस्टेंट नंबर, और a क्या है, एक x स्क्वायर का गुणांक, मतलब x स्क्वायर का एक फंक्शन जो इसके मल्टीपल की फॉर्म में हो। अब माइनस डी मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हम किसका स्क्वायर करेंगे, माइनस के वन का स्क्वायर, माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन अपॉन फोर इंटू ए, ए की वैल्यू वन,
माइनस माइनस वन का स्क्वायर कितना आएगा वन, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, वन प्लस फोर कितना आएगा फाइव डिवाइड बाय फोर। तो मेरा जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, माइनस के फाइव बाय फोर। माइनस के फाइव बाय फोर जो है मेरे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने एक नया कंसेप्ट सीखा है। इस क्वेश्चन को आप, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखें। यदि आपका ये कंसेप्ट ध्यान है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान है। एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर इक्व टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है कि ए की पावर सिक्स प्लस बी की पावर सिक्स की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। बेसिक क्या, अब आप देखिएगा इसके अंदर एक कंसेप्ट लगेगा, एक फॉर्मूला लगेगा, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, एक फॉर्मूले को सोल्व करने से पहले कुछ हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं ये जो डेटा लिखा हुआ है, क्या मैं इस डेटा के बारे में और क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर सिक्स प्लस बी की पावर सिक्स तो आपको दे रखा है, क्या आप इस डेटा को ए स्क्वायर की पावर थ्री प्लस बी स्क्वायर की पावर थ्री लिख सकते हैं। अब यदि मैंने इसको, इस डेटा को लिखा, तो ये डेटा मैंने क्यों लिखा, ये डेटा क्यों लिखा, इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को आपको समझना है तो आप गौर करके देखिए कि इसके अंदर कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा है। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला क्या है, यदि हम इस क्वेश्चन के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू। प्यारे बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यदि मुझे ये फॉर्मूला क्लियर है तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर इस बात को पुट करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जब मैं इस बात को पुट करने जाऊँगा तो आपका कहना है कि एक स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, हम इसको इस तरह ओपन करेंगे। यदि हम इसको इस तरह से ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकेंड ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको ये बात बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी। अब हम इस सिनेरियो को जैसे आगे कंटिन्यू करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह हम इसको ओपन करेंगे पावर फोर प्लस बी की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस बात को यदि हम देखते हैं तो आप इस बात को देखो, यदि इस क्वेश्चन पर नज़र डाली जाए तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर, यदि यह डेटा दूसरी तरफ आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है वो किसके बराबर निकल के आ रही है, जीरो के बराबर निकल के आ रही है। यदि इसकी रिजल्टेंट वैल्यू जीरो के बराबर निकल के आ रही है तो आप यहाँ डेटा क्या पुट करने वाले हो, जीरो। और जैसे आपने यहाँ डेटा जीरो पुट किया तो प्यारे बच्चों, जैसे जीरो पुट करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जीरो, और जीरो को जब किसी समीकरण से गुणा करते हैं, अरे जीरो को जब तुमसे भी गुणा करेंगे तो तुम्हारा भी रिजल्ट क्या निकल के आएगा, जीरो। तो इस इक्वेशन का बेचारे का आंसर क्या आने वाला है, जीरो। जीरो इस इक्वेशन को जब करेंगे तो आपका फाइनल क्या आंसर निकल के आया, जीरो, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिए। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको थ्री दी गई है और आपसे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे मित्रों, यदि आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद, यदि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो एक सेमेट्रिक स्ट्रक्चर की तरह काम नहीं कर रहा। तो कोशिश आपको ऐसे करनी है कि इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने आता है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेमेट्रिक बनाने की कोशिश करनी है। सेमेट्रिक का मतलब है उसकी पावर्स लगभग कैसे भी करके हम बराबर बना लें। अब मेरे दिमाग में जब ये दिमाग में घूमने लगा कि मुझे कैसे भी करके पावर को बराबर बनाना है, तो मैंने जैसे दिमाग घुमाया तो यार ये क्यूब है, ये एक्स है, ये पावर तीन है, ये पावर एक है, बराबर कब कम होगा, जब यहाँ एक कम होगा एक जब ज़्यादा हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा इसका। तो मैंने क्या किया, इस बात को ध्यान में रखते इस पूरे इक्वेशन को 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने 1/x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x कर दिया। तो बच्चों, जब मैं यदि ये डेटा ऊपर करूँगा कैलकुलेट तो 1/x से मुझे इस क्वेश्चन को कहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, नीचे।
जैसे मैंने 1 अपॉन एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसकी कैलकुलेशन यदि हम चेक करें तो 1 बाई एक्स जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, 1 बाई एक्स जब 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ इस इक्वेशन को देखने के बाद ये बात क्लियर दिख रही है कि मेरा जो डेटा है वो सिमेट्रिक दिख रहा है। अब हम जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या निकल के आ रहा है, एक्स 1 बाई एक्स को जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 1 बाई एक्स, और माइनस एक्स को जब 1 बाई एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1। तो एक इक्वेशन मेरी ये निकल के आ रही है। तो प्यारे बच्चों जब इस बात को हमारे दिमाग में क्लियर कर चुके हैं कि ऐसा कुछ बन रहा है तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यार अब मैं इन डेटाओं की वैल्यू कैसे निकालूं, जबकि इसकी वैल्यू तो मुझे कितनी दे रखी है 3। तो मैंने इसके बारे में आपको प्रीवियस जो वीडियोज बना रखी है उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है। यदि आपने पिछली वीडियोज नहीं पढ़ी है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को कंप्लीट पढ़ें, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियोज बनाते जा रहा हूँ आपके क्वेश्चंस धीरे धीरे अपने लेवल को अपडेट होते करते जा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस और भी अच्छे तरीके से क्लियर जब ही हो पाएंगे जब आपके पिछले क्वेश्चंस एकदम क्लियर है। यदि आपने नहीं पढ़े हो तो पहले आप उनको पढ़ें, उसके बाद में इस वीडियो को आप कंटिन्यू शुरू करें। देखिएगा अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में कंसेप्ट लिखा है। कंसेप्ट क्या है, यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू a दी गई हो और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस क्या होगी 2 होगी। अब जब आपको इस कंसेप्ट का पता है तो यहाँ ए का जो कंटेंट है वो किसका काम कर रहा है, 3 का काम कर रहा है, और जब ए की वैल्यू 3 का काम कर रही है तो मैं इसको फाइनली क्या बोलूँगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू क्या है 3, तो मैंने क्या लिखा 3 माइनस 1। अब 3 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 9, माइनस क्या हो गया 2, और 3 माइनस 1 मेरा कितना निकल के आ गया 2, 9 में से 2 गए तो कितना है 7 डिवाइड बाय 2, और आप बोलोगे मेरी जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 7 बाई 2, और 7 बाई 2 जब आप देख रहे होंगे तो 7 बाई 2 मेरे ऑप्शन नंबर 7 बाई 2 आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, a प्लस 1 बाई ए प्लस 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 0 और पावर 4 माइनस ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको इस बात को समझना है कि यार a की पावर 4 माइनस ए को कैसे कैलकुलेट करें। तो जब इस बात को आप देख रहे होंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। यदि आप इन दोनों में a कॉमन लेते हो तो आपके पास डेटा बचा ए क्यूब माइनस 1, मतलब आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो क्या आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है तो आपको इसके बारे में देखते ही एक दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कई बार किया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती है। अब जब आप इस बात को समझ चुके हो तो आप हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, सोल्व करते हैं। ए इंटू ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने बोला कि सर हमने इतना कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करें। अब बच्चों एक बार हम ये जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई है इसको एक बार कैलकुलेट करके देखें। यदि मैं इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके देखता हूँ तो मेरी कैलकुलेशन क्या बोल रही है, यहाँ एलसीएम लिया जाए तो इसका एलसीएम कितना आएगा ए, और कैलकुलेट किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए जो इक्वल टू किसके बराबर चल रहा है 0, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 की जो वैल्यू है दी गई इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसके बराबर है 0 के बराबर। तो प्यारे बच्चों जब आपको इस बात का कंसेप्ट का पता लग गया कि इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू 0 के बराबर है तो आपको ये बात देखने के बाद स्पष्ट जाहिर हो रही होगी तो मैं इसकी वैल्यू किसके बराबर रख सकता हूँ 0 के बराबर। जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखी है तो a इंटू ए माइनस 1 इंटू आप क्या लिखोगे 0, और जब इन तीनों पॉइंटों को क्रिएट करोगे तो फाइनल इन तीनों डेटाओं को कैलकुलेशन करने पर मुझे आंसर क्या प्राप्त हो रहा है 0, और 0 जो मेरा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
कि a अपॉन वन माइनस ए प्लस बी अपॉन वन माइनस बी प्लस सी अपॉन वन माइनस सी की वैल्यू वन के बराबर दी गई है और आपसे पूछा गया है वन अपॉन वन माइनस ए प्लस वन अपॉन वन माइनस बी प्लस वन अपॉन वन माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा, अब यदि मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करूँ और इस क्वेश्चन को देखूँ तो इन दोनों को यदि गौर करके देखा जाए तो दोनों में जो बातें हैं केवल केवल डिफरेंस क्या है कि यहाँ ए रिमूव है, यहाँ पर से ऊपर बी रिमूव है, यहाँ से ऊपर सी रिमूव है। अब मुझे कैसे भी करके रिमूव करना है तो एक बात सोचो, यदि मैं इस डेटा को ऊपर वाले डेटा में जोड़ दूँ तो ये डेटा जब ऊपर वाले डेटा में जुड़ेगा तो ए से ए कट जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा। तो नीचे के डेटा ऊपर जुड़ेगा कैसे, तो जोड़ने का क्या तरीका दिमाग में आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखो ए अपॉन वन माइनस ए जब भी ऊपर जा सकता है जब प्लस वन कर दे, क्योंकि जब प्लस वन करेंगे तो वन ऊपर गुना होगा और एलसीएम लेकर ये डेटा नीचे आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि मैंने इधर की तरफ प्लस वन किया है तो मुझे दूसरी तरफ भी क्या करना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा, राइट। अब ऐसे ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, बी अपॉन वन माइनस बी में वन ऐड करेंगे तो यहाँ भी प्लस वन ऐड हो जाएगा, ऐसे ही सी अपॉन वन माइनस सी में प्लस वन करेंगे तो यहाँ भी प्लस वन हो जाएगा। अब देखते हैं जैसा कि मैंने चाहा वो काम हुआ कि नहीं हुआ। यदि मैं इस पॉइंट को देखता हूँ तो इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एलसीएम वन माइनस ए आने वाला है, यहाँ ए प्लस वन माइनस ए, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, वन माइनस बी, बी प्लस वन माइनस बी और एलसीएम वन माइनस सी, सी प्लस वन माइनस सी इक्वल टू, यहाँ जो वन है वो कितने टाइम है, फोर टाइम। प्यारे बच्चों, जब इसको गौर करके देखा जाता है तो यहाँ आपका ए ए से कैंसिल हुआ, बी आपका बी से कैंसिल हुआ और सी आपका सी से कैंसिल हुआ। और यदि इसकी रिजल्टेंट वैल्यू देखी जाए तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है वो किस फॉर्म में निकल के आ रही है, देखो वन अपॉन ए माइनस वन माइनस ए, तो हम बोलेंगे वन अपॉन वन माइनस ए प्लस, यदि आप यहाँ गौर करके देखें तो वन अपॉन वन माइनस बी, और यदि यहाँ देखें तो वन अपॉन वन माइनस सी, जिसकी वैल्यू मेरे पास चार निकल के आई और यही आपसे वैल्यू पूछी गई है जिसका आंसर हमारे क्या निकल के आया, चार। और ये जो मेरा फोर ऑप्शन है ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, फोर। तो आपको बस इस क्वेश्चन में ये समझना था कि नीचे वाले डेटा को ऊपर जोड़ने के लिए कभी भी हमें जोड़ना हो तो आप सीधा डायरेक्टली एक जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में, जिससे दोनों समीकरण भी संतुलन में रहेगी और आपका नीचे का डेटा भी कहाँ ऐड ऑन हो जाएगा, ऊपर ऐड ऑन हो जाएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है, फाइव, और आपसे पूछा गया है टू एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों, आपको पहले तो ये देखना है कि आपके देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, या तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को नहीं पहचान पा रहे हैं तो क्या समझोगे, क्या एक द्विघात समीकरण है, मुझे कैसे भी करके द्विघात समीकरण में से x की वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक, और फिर कैसे पुट करके क्वेश्चन को कैलकुलेट करना चाहिए, या फिर आप एक एलिमेंट्री तरीका लगाओ, सोचना क्या है आपको कि यार इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से बना दें जो इस तरह से बन जाए, वो कैसे दिमाग में आएगा। आप देखिए, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ तो पावर दो है और यहाँ पावर कुछ नहीं है, जीरो को एक रुपये दे दूँ, दो में से एक कम कर दूँ, दोनों की जगह एक एक बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यदि मैं नीचे वाली इक्वेशन को, नीचे मेरे पास जो डेटा है इस इक्वेशन को वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री कर दूँ, तो मुझे ऊपर वाली इक्वेशन को भी वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, ऐसा करने से ये बेनिफिट होगा कि मेरा एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा तो ऊपर जो डेटा बचेगा वो क्या डेटा बचेगा, टू डेटा बचेगा। अब जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट, तो थ्री एक्स प्लस आपका थ्री अपॉन एक्स, यदि मैं इसको एक साथ लिख दूँ, और फाइव बाई एक्स में जब वन बाई एक्स करोगी तो आपका क्या डेटा बच गया, माइनस के फाइव। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते, यदि हम आगे बढ़े तो इन दोनों पॉइंटों को आप देखोगे तो थ्री कॉमन आ रहा है, थ्री कॉमन आने के बाद क्या बोल सकते हो आप, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, माइनस क्या लिखोगे आप, फाइव। यदि आपने ऐसे लिखा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो टू अपॉन
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है, फाइव के बराबर। तो आप क्या बोलने वाले हो, थ्री इंटू फाइव माइनस फाइव अगेन टू अपॉन फाइव, थ्री या फिफ्टीन माइनस फाइव तो टू बाय टेन, जिसकी रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वन बाई फाइव। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पर काम करना था। यदि आपने इस पॉइंट पर काम किया तो आगे क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, फिर तो बस बेसिक आपकी कैलकुलेशन है। तो आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करें, और यदि आप इसके ऑप्शन देखते हैं तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, जिसमें आंसर आपका क्या दिया गया है, वन बाय फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रूट ऑफ वन माइनस एक्स क्यूब बाई हंड्रेड की वैल्यू थ्री अपॉन फाइव है, और आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, आपको यदि पहले रूट हटाना है तो आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और जैसे ही मैं दोनों तरफ इस क्वेश्चन का स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर वन माइनस एक्स क्यूब बाय हंड्रेड इक्व टू नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन एंड फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव। यदि हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो आपका एलसीएम हंड्रेड, हंड्रेड माइनस एक्स क्यूब इक्व टू नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव लिखेंगे। अब यदि आप दोनों तरफ देखते हैं तो 25 से 100 कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। और 4 टाइम जब कैंसिल आउट होगा और 4 को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 36। और यहाँ आप डेटा देखते हैं तो आपका डेटा आएगा 100 माइनस एक्स क्यूब। बच्चों जब 100 माइनस एक्स क्यूब बराबर 36 है तो कॉन्स्टेंट नंबर हम एक तरफ ले जाए, कॉन्स्टेंट नंबर यदि हम एक तरफ लेके जाते हैं तो 100 माइनस 36 इक्व टू एक्स क्यू हम लिख सकते हैं, और 100 में से 36 गया तो 64 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एक्स क्यूब के बराबर है। अब हम बोल रहे हैं कि 64 की वैल्यू एक्स क्यूब के बराबर है। अब मुझे क्या करना है कि 64 जो लिखा हुआ है इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप 64 को यदि मैं क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब एक्स क्यूब के बराबर है, और क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, और फाइनली आप बोलोगे कि हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू किसके बराबर निकल के आई, 4 के बराबर निकल के आई। एक्स की वैल्यू जो आपके 4 निकल के आई वो आपके ऑप्शन नंबर यदि आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में आपकी एक्स की वैल्यू 4 दी गई है। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 4√3 प्लस 5√2 डिवाइड बाय √48 प्लस √18, जिसकी जो वैल्यू है वो हमें a प्लस √6 के बराबर दी गई है, और आपसे पूछा गया है कि a व b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा कि आपका जो √48 और √18 है, क्या हम इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इसको रूट को हटाने का तरीका हम जानते होंगे। जैसे कि रूट को हटाने का तरीका आपको मैंने पहले ही बताया था, जब यदि नीचे रूट दिया गया हो रूट ए प्लस बी की फॉर्म में, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे रूट ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, जिसकी फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू जो है रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी निकल के आएगा, वन अपॉन रूट ए प्लस रूट बी की जो वैल्यू निकल के आएगी रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी निकल के आएगी। अब मैं इस बात को समझ गया इसका ये रिजल्ट निकल के आएगा, तो हम देखो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले डेटा को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, इस 48 को 16 × 3 लिख सकते हैं और 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 16 का जो रूट होगा वो 4 होगा और आपका 9 का जो रूट होगा बच्चों क्या होगा, 3 होगा। अब बच्चों इस बात को हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए कि 4√3 प्लस 5√2, और यदि मैं इस क्वेश्चन को 1√a प्लस √b की तरह ट्रीट करता हूँ तो ऊपर जो मेरा डेटा आएगा वो क्या निकल के आएगा, बोलो, √a माइनस √b अपॉन a माइनस बी। ए माइनस बी मतलब कितना है, 30। देखिएगा 4√3 प्लस 5√2, और जब मैं इस डेटा की जगह 16 का रूट कितना आएगा, 4, तो 4√3 माइनस
इसकी जगह क्या लिखा, थ्री रूट टू। डिवाइड बाई जो निकल के आएगा वो किसके बराबर निकल के आएगा, 30 के बराबर आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को आगे कैलकुलेट करते हैं। फोर रूट थ्री को जब फोर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर रूट थ्री को जब फोर रूट से मल्टीप्लाई करें तो फोर को फोर से मल्टीप्लाई कितने आया, कितना आया 16, और रूट थ्री को रूट थ्री से गुना किया कितना आया 3, 16 48। वापिस जब इसको इससे गुणा करते हैं, चार को तीन से गुणा करेंगे तो 12, रूट तीन को जब रूट दो से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, तो कितना लिखो माइनस के 12 रूट 6। 4 3 12 3 3 6। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, और 2 इंटू 3 का कितना है 6 प्लस 20 रूट 6। 5 रूट 2 को जब इससे मल्टीप्लाई, 5 को 3 से गुणा किया 15, और रूट दो को रूट दो से गुणा किया कितना है 2, तो 15 दोना कितना आएगा माइनस के 30। डिवाइड बाय हमने क्या लिखा 30। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 48 और 30, 48 में 30 के तो कितना है आपका पॉजिटिव 18, माइनस के 12 प्लस 8, तो आप क्या लिखोगे माइनस के 12 प्लस 20 प्लस का 8 रूट 6 डिवाइड बाय 30। प्यारे बच्चों जब इसको स्प्लिट करके लिखते हैं 18/30 प्लस 8/30 रूट 6। ये जो मेरा पूरा डेटा है, आपका डेटा किसके बराबर दे रखा है, a प्लस बी रूट 6 के बराबर। तो मैं इस पूरे डेटा को a प्लस बी रूट 6 के बराबर लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ रूट 6 का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, b के बराबर। यहाँ रूट 6 का कोफिशिएंट किसके बराबर है, 8/30 के बराबर। तो 4 2 8, तो सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 2 4 8 और 15 2 9 30, बस रूट 6 का कोफिशिएंट 4/15 और रूट 6 का कोफिशिएंट कितना है b। तो इस बात को देखकर आप बोलोगे b की जो वैल्यू है वो कितनी है 4/15। ऐसे a की जगह 18/30 जो वापिस आप किससे कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ 3 इससे गुणा करो 6 से, 6 3 18 6 5 30, तो 3/5 किसकी वैल्यू हो जाएगी a की। तो हम फाइनली क्या बोलेंगे कि मेरी a की जो वैल्यू निकल के आएगी, a की वैल्यू कंपेरिजन के बाद 3/5 निकल के आई, एंड b की जो मेरी वैल्यू निकल के आई, b की वैल्यू मेरी 4/50 निकल के आई। तो a और b की वैल्यू आप समझ चुके हो, और a और b की जब वैल्यू आप समझ गए तो ए बी की वैल्यू आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 361 इक्व टू 32 डिवाइड बाय 31। और आपसे बोला गया है यदि ऐसा दिया गया है तो बताइए कि x जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपसे जब x की वैल्यू पूछी गई है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि हमें क्या हटाना चाहिए, रूट हटाना चाहिए। अब जैसे ही मैं इसका रूट हटाऊंगा तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे ही मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा तो आप देखिएगा कि हमारा क्वेश्चन 1 प्लस एक्स अपॉन 361 इक्व टू 32 का स्क्वायर डिवाइड बाय 31 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कीजिए। अब यदि हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो एलसीएम कितना आ रहा है 361, या एलसीएम 361 प्लस क्या निकल के आ जाएगा एक्स। अब यदि 361 31 का स्क्वायर कितना होगा 361, और यदि 32 का स्क्वायर हम देखते हैं तो 32 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 1024। तो 361 से 361 कैंसिल आउट, तो 361 प्लस एक्स इक्व टू 1024। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं निकालता हूँ तो 1024 माइनस 361, और जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 6, और ये इसको माइनस किया 63। तो 63 कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का एक मेथड और भी है, मेथड नंबर हमारा 2 क्या बोलता है। मेथड नंबर 2 हमें बोलता है कि जब सामने यदि 31 दे रखा है या कोई भी डेटा दे रखा है और उसका स्क्वायर सामने दिया गया हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, यदि उसका स्क्वायर सामने दिया गया हो और ऊपर वाला डेटा जस्ट आपसे एक बड़ा हो, देखो दो बातें ध्यान में रखना है, 31 जो भी डेटा उसका स्क्वायर सामने दिया गया हो
उसका प्लस वन ऊपर दिया गया हो और यदि यहाँ प्लस वन दिया गया है तो ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करते समय एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जो सामने दिया गया है उन दोनों संख्याओं का योगफल आएगा और 32 में जब 31 को हम ऐड करेंगे तो 63 आएगा। 63 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको मैंने ये समझाया है यदि दिए गए डेटा का स्क्वायर सामने दिया गया हो, दिए गए डेटा का स्क्वायर सामने दिया गया हो और ऊपर वाली संख्या जस्ट ऊपर उससे बड़ी हो तो हमें उस एक्स की वैल्यू दोनों संख्याओं का सम निकल के आएगी। तो आपको ये बात समझ में बिल्कुल आई होगी, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए। अब देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 1/3x की वैल्यू आपको 5 दी गई है और आपसे इस क्वेश्चन की वैल्यू पूछी गई है। अब यदि मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बारे में बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखेंगे कि हमें इस डेटा का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 3x। 3x को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x² प्लस 1 इक्वल टू 5। अब कैलकुलेट करते हैं, 6x² प्लस 1, अब जैसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डेटा कितना आएगा, 15x। इस डेटा को यदि गौर करके देखा जाए तो आप देखिएगा कि 6x² प्लस 1 जो आपको स्पष्ट दिया गया है और इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो किसके बराबर दी गई है, 15x के बराबर दी गई है। यदि इसकी वैल्यू 15x है तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे कैलकुलेट करने के लिए 5x अपॉन इसकी वैल्यू यहाँ से उठाकर जैसे ही मैं 15x रखूँगा तो 15x प्लस 20x 5x डिवाइड बाय 35x और जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं x से तो x कैंसिल आउट, 5 और 70 35, तो कितना निकल के आया, 1/7। 1/7 जब हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपका 1/7 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 1 इक्व टू आपको 0 दिया गया है और पूछा गया है x की पावर 35 प्लस y की पावर 35 की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे मित्रों आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, x² प्लस 2x प्लस 1 यदि आप इस डेटा को गौर करके देखते हो तो आपको ये बात स्पष्ट समझ में आ रही होगी कि इन तीनों डेटाओं को एक साथ यदि लिख दिया जाए, x² प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस y² बराबर 0 लिख दें, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कि ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि ये मेरा जो डेटा है ये डेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है प्लस y² इक्वल टू 0। और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, जब किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर किया गया हो और स्क्वायर का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो यदि 0 के बराबर दी गई हो तो ध्यान रखिएगा वो एक ही कंडीशन पर पॉसिबल है, जब उसकी भी वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो मैं इसकी वैल्यू 0 कब बोल सकता हूँ, जब x की वैल्यू क्या हो, -1 हो। तो प्यारे बच्चों -1 में जैसे +1 किया 0 आया और 0 का स्क्वायर किया तो 0 आया। फाइनली मैंने क्या किया कि x की वैल्यू में -1 रखूंगा तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी एंड y की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूँ तो भी इस इक्वेशन का सम 0 निकल के आएगा। फाइनली मैं कहूँगा कि इन दोनों का सम 0 क्रिएट हो जाएगा। अभी मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x की पावर 35 प्लस y की पावर 35, तो हम देखिए x की पावर 35 प्लस y की पावर जब मैं 35 करूँगा तो मुझे क्या करना है, x की वैल्यू, x की मेरी वैल्यू क्या है, -1। -1 की पावर 35 प्लस 0 की पावर 35 किया और इसको जब कैलकुलेट किया तो मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आई वो किसके बराबर निकल के आई, -1 के बराबर। जो -1 है ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बोल रहा है कि x अपॉन 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 1/6। देन आपसे पूछा गया है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों आप एक बात देखिए, सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन को किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखो हमारे दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, या तो मुझे इन दोनों आइडेंटिटी जो इक्वेशंस दे रखी है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना चाहिए, या फिर मुझे जब भी द्विघात समीकरण दे रखी हो और इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों में भी डिस्कस किया था कि मुझे इस तरह की इक्वेशन को यदि एक्स प्लस 1/x की फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो मुझे इस डेटा को पूरे को x से डिवाइड कर देना चाहिए।
तो मैंने इस बात को समझते हुए ऊपर के डेटा को भी x से डिवाइड किया। ये इसलिए किया क्योंकि मैं नीचे के डेटा को भी किससे डिवाइड कर रहा हूँ, x से। x से डिवाइड करने का मतलब है 1/x से मल्टीप्लाई करना। बच्चों जब मैंने ये काम किया तो अब देखते हैं ऐसी कैलकुलेशन करने से मुझे क्या बेनिफिट मिले। अब जैसे मैं इसके आगे की बात करता हूँ तो देखो x से तो x कैंसिल आउट होगा, x से जब x कैंसिल आउट होगा तो हमारा क्या निकल के आएगा, 1। अब जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x से एक x कैंसिल आउट, यहाँ ये x कैंसिल आउट, यहाँ जब डेटा मल्टीप्लाई होगा तो 2/x। फाइनली मैं बोलूँगा 2/x 2x प्लस 2/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/6। अब आप देखिए यदि मैं इस आइडेंटिटी को गौर करके देखता हूँ तो इन दोनों आइडेंटिटी में मेरे जो डेटा कॉमन निकल के आ रहा है वो क्या कॉमन निकल के आ रहा है, 2 कॉमन निकल के आ रहा है। तो प्यारे बच्चों जब मेरा डेटा 2 कॉमन निकल के आ रहा है तो देखिएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6। अब इस डेटा को देखने के बाद दिमाग में अभी आने लगा कि यार x प्लस 1/x का प्रेजेंटेशन हमें दिख गया। अब हम आगे देखें, यदि मैं इस डेटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं ऐसे ले सकता हूं, देखो पहले से पहले इसको काट लेते हैं, 2 को यदि आप 6 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 टाइम कैंसिल आउट होगा, और 3 टाइम जब कैंसिल आउट होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x प्लस 5। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे प्लस 5 दूसरी तरफ किस में जाएगा, माइनस में, और फाइनली मैं बोलूँगा -2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो मेरी क्या निकल के आएगी, -2। तो ये क्वेश्चन आपको आसान तरीके से समझ में आया होगा। बस इस क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको द्विघात समीकरण जैसी बातें दी गई हो और x प्लस 1/x की फॉर्म में आपसे पूछे तो ऐसे केस में आप उस समीकरण को उसी की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश किया करो, जिससे कि क्वेश्चन को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्क्रीन पर क्या दे रखा है। आपको जो इक्वेशन दे रखी है यदि हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करें, जब भी डेटा आपको ऐसे अपॉन की फॉर्म में दे रखा हो तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले इन डेटाओं को क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। अब यदि हम इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम हमारा क्या निकल के आएगा, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसको मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया, जब मैं यदि इस डेटा से डिवाइड करता हूँ तो ए माइनस बी बचेगा। अब ए माइनस बी को इससे बात गुणा किया तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब किया। प्यारे बच्चों जब भी आपको कोई भी क्यूब की टर्म दे रखी हो तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जीरो हो सकती है। यदि आप ये कहें कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर हो, जीरो के बराबर। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू इन तीनों डेटाओं का सम जीरो के बराबर है। तो मैंने जैसे ही चेक किया कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी इनका सम जैसे ही चेक किया तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा कि इन सभी का जो सम है वो किसके बराबर निकल के आ रहा है, जीरो के बराबर। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इक्व टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्व टू 3abc। इस कंसेप्ट को हम 3abc इस कंसेप्ट को यदि हम आगे बढ़ाएं तो अभी हम क्या बोलेंगे, 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए अपॉन हम बोलेंगे ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब यदि इन डेटाओं को गौर करके देखा जाए तो ये डेटा हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। डेटा कैसे कैंसिल आउट होंगे, देखो ये डेटा बिल्कुल सेम सेम मैच कर रहा है तो डेटा कैंसिल आउट होना है। और जब डेटा मेरा कैंसिल आउट हुआ तो आप देख रहे होंगे कि इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, 3 निकल के आ रही है। जो रिजल्टेंट वैल्यू आपकी 3 निकल के आ रही है और आप उसको देखें तो आपके वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको इस बात का पता होना चाहिए यदि आपका जो 3 नंबर है ए प्लस बी प्लस सी उनका सम यदि 0 के बराबर है तो उनके क्यूब्स का सम 3abc के इक्वल होगा, और उनके क्यूब्स के सम में से 3abc को माइनस कर देते हो तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कीजिएगा। देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस नाइन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और आपसे पूछा गया रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने अभी डिस्कस किया था, यदि किन्हीं इक्वेशंस का सम स्क्वायर्स का सम जीरो के इक्वल है तो डेफिनेटली उस स्क्वायर्स की जो वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू जो निकल के आएगी वो किसके बराबर निकल के आएगी, जीरो के बराबर निकल के आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले दिमाग लगाऊंगा कि यार इसकी वैल्यू जीरो कब हो सकती है। इसकी वैल्यू जीरो एक कंडीशन हो सकती है जब ए की वैल्यू क्या हो, थ्री। यदि ए की वैल्यू मेरी थ्री निकल के आ जाएगी तो इसकी वैल्यू मेरी क्या निकल के आ जाएगी, जीरो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बोलेंगे ए की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, थ्री के बराबर। बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, फोर के बराबर। और जो सी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, नाइन के बराबर। ऐसा यदि हम ए बी सी के अंदर पुट कर देते हैं तो इनका रिजल्टेंट वैल्यू जीरो, उन तीनों का जो सम आएगा उसकी वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, जीरो। प्यारे बच्चों जब आपको इस बात का पता लगा, तीनों का डेटा हमें जब पता लगा तो फाइनली हम पता कर सकते हैं कि ए रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे 3 + 4 + 9। अगेन 3 + 4 + 9 हम करते हैं तो मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो 16 आएगी, और रूट 16 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि रूट 16 की वैल्यू 4 है और 4 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ए की पावर 1/3 की वैल्यू देगी 11, और आपसे पूछा गया है ए स्क्वायर माइनस 331 ए की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे इस बात को समझना होगा कि ए की पावर 1/3 की वैल्यू जब 11 है तो मुझे इसको हटाना है तो मुझे इस डेटा का क्या करना होगा, क्यूब। यदि मैंने इस डेटा का क्यूब किया है तो मुझे इस 11 का भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब। 11 का जैसे हम क्यूब करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ डेटा मेरा क्या निकल के आया, ए, और 11 का क्यूब मेरा कितना आएगा, 1331। अब जैसे ए की वैल्यू आप पहचान गए कि ए की वैल्यू 1331 होगी और आपसे इस बात को पूछा गया तो आप देखिएगा यदि आपने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो आप इसका स्क्वायर करते हैं तो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज बहुत लेंथी हो जाता है। तो यदि मुझे इस कैलकुलेशन से बचना है तो मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों डेटाओं को यदि गौर करके देखा जाए तो प्यारे बच्चों इन दोनों डेटाओं में से मेरा जो डेटा कॉमन निकल के आ रहा है, क्या डेटा कॉमन निकल के आ रहा है, ए डेटा कॉमन निकल के आ रहा है। यदि मैं इसको ए कॉमन लेता हूं तो अंदर बसता है ए माइनस 331। अब ए माइनस 331 लिखेंगे और जहां ए की वैल्यू में 1331 मल्टीप्लाई बाय 1331 माइनस 331 जैसे करता हूं तो आप देखिएगा 1331 को फाइनली हम मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, 1000 से। अब जब 1331 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा 1331000 आएगा, जो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिएगा, स्क्रीन शॉट लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x² + 1/y² इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैं इस प्लस 4 को दूसरी तरफ लेके आ जाऊं। प्लस 4 को दूसरी तरफ लेके आने का मेरा मतलब क्या है, देखिएगा मैंने यदि सेम डेटा को एक साथ लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, ये 4 को मैं दो भागों में तोड़ रहा हूं, -2 और -2, वाई स्क्वायर प्लस 1/y² -2 इक्व टू 0। प्यारे बच्चों यदि गौर करके देखा जाए तो आप इस डेटा को देखो, ये जो डेटा है दो आपको इक्वेशन दिख रही होगी, यहां इस डेटा को देखा जाए तो ये डेटा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, और यदि इस डेटा को देखा जाए यहां ये y माइनस 1/y का होल स्क्वायर है, इन दोनों का सम जो है किसके बराबर दे रखा है, जीरो। तो मैं फाइनली बोलूंगा कि x और 1/x की वैल्यू क्या होगी, बराबर, और x और 1/x की वैल्यू बराबर होगी, और ऐसी वैल्यू होगी जिनको आपस में यदि माइनस किया जाए तो इनका जो सम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जीरो, क्योंकि जीरो में जब ऐड करोगे जीरो तो ही तो जीरो आएगा। तो प्यारे बच्चों यदि हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो देखो x बराबर में 1/x बोलूंगा, और यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर इक्व टू 1, देन x की वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी, 1। जैसे मेरी x की वैल्यू 1 निकल के आएगी
वैसे ही इस समीकरण से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1। तो आप ये पहचान चुके हो कि x और y की वैल्यू क्या है, 1। और x और y की वैल्यू जब पहचान गई तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना और भी आसान हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करते हुए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फाइनली जो मेरी वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, 2। देखो एक मेथड तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है, दूसरा मेथड आप समझे, मेथड नंबर 2 इसको क्या कहता है, मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को पुटिंग मेथड से सोल्व कर सकते हो। पुटिंग मेथड आपको क्या कहेगा कि आपको इस पूरी समीकरण का एक ऐसा मान मानना है जिसके मानने से इसका जो सम निकल के आ जाए वो किसके बराबर निकल के आ जाए, 4 के बराबर निकल के आ जाए। तो प्यारे बच्चों अहीं का सम हम यदि 4 के बराबर देख रहे हैं तो मुझे मान मानना है, ऐसा मान मानना है जिससे कि 4 आए, तो मैंने माना कि x बराबर y है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यदि मैंने ऐसा माना है, ऐसा पुट किया, तो देखिएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 4। 4 से 4 सेटिस्फाई हुआ, यदि 4 से 4 सेटिस्फाई हुआ तो मुझे क्या करना था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देन फाइनली वैल्यू क्या निकल के आई, 2। अब आपके सामने पूरा दिख रहा है, एक तरीका तो ये पूरा प्रॉपर मेथड जिससे हमने पुट करके आंसर क्या निकाला, 2। एक हमने डायरेक्ट अप्रोच लगाई ये कि इनकी क्या वैल्यू पुट करे जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर मैच करे, उससे भी हमारा आंसर क्या आया, निकल के सेम। तो कोशिश आपको यही करनी है कि एलजेब्रा को सोल्व करते समय यदि क्वेश्चन बहुत बेसिक, यदि आपका पुटिंग मेथड से सोल्व हो रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप पुटिंग मेथड ही अप्रोच करें जिससे कि क्वेश्चन बहुत इजीली कैलकुलेट करें, इजीली कैलकुलेट आपका होने लगेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो पुटिंग मेथड से सोल्व नहीं होंगे, हम उन क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल यदि जिसमें पुटिंग मेथड लग रहा है तो आपको सबसे पहले कौन सा मेथड यूज करना है, पुटिंग मेथड। क्यों? क्योंकि वहां हमें क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाना, वहां में आंसर से मतलब है। और आंसर कैसे आया, यदि डायरेक्ट आंसर पुट मेथड से आ रहा है तो आपको पहले वही यूज करना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और जेड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। अब आपसे ये बात पूछी गई, देखो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है यार, इस बात को देखने के बाद दिमाग को दिया ही आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए कि एक्स की वैल्यू रख देनी चाहिए। यदि आप इस x की वैल्यू डायरेक्ट रखते हो तो आप देखिए रूट वाई प्लस जेड, यदि आपका डेटा रूट में आ रहा है तो क्वेश्चन को कैलकुलेशन करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा करें कि जिससे मुझे x प्लस 1 की वैल्यू निकल के डायरेक्ट लिया जाए। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोनों पक्षों में एक्स ऐड कर दिया। दोनों पक्षों में एक्स ऐड करने से मुझे क्या बेनिफिट मिला, देखिएगा जब मैंने दोनों पक्षों में एक्स ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x। अब यदि दोनों में x कॉमन आ रहा है तो अंदर मेरा क्या बचा, x प्लस 1, जो x प्लस y प्लस z की वैल्यू के बराबर है। अब यहां से मैं x प्लस 1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, x प्लस 1 की वैल्यू x प्लस y प्लस z अपॉन x निकल के आएगी। अब यदि मैं इस पक्ष की बात करूं y स्क्वायर, तो जैसे मैंने x स्क्वायर को देखकर x कॉमन लेकर x प्लस 1 बनाया, वैसे ही मैं वाई स्क्वायर में भी प्लस वाई दोनों तरफ ऐड करूंगा। अब मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा तो आपके दिमाग की बात आ रही होगी, सर आपके दिमाग को कैसे आया कि कभी एक्स कर रहे हो कभी वाई ऐड कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों यदि आप ऐसा क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं तो आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा, मैंने भी कभी क्वेश्चन पहली बार करवाया होगा या देखा होगा तो मुझे भी अटपटा लगा होगा, पर ऐसे क्वेश्चन जब आप रेगुलर 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके लिए एक हैबिचुअल क्वेश्चन बन जाएंगे, आपका कंसेप्ट जब दिमाग में आने लगेगा तो नेक्स्ट टाइम खुद ही आप इस कंसेप्ट को अप्रोच करने लगोगे। देखिए इस बात को फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस बात को जब हम देख रहे हैं तो तुरंत दिमाग में आ रहा होगा वाई कॉमन लेना है, वाई प्लस 1 देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फाइनली मैं बोलूंगा कि वाई प्लस 1 की वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन वाई निकल के आया। एक्स प्लस 1 था तो नीचे एक्स था, वाई प्लस 1 था नीचे वाई था। अब आपके दिमाग में सीधी घंटी बज रही होगी कि यार इसमें मुझे जेड जोड़ना है, और यदि मैं फाइनल डेट वैल्यू भी लिखना चाहूं तो आपके सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा। फिर भी अभी हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं इसलिए प्लस जेड दोनों तरफ किया, और जब दोनों तरफ किया तो इस बात को देखकर जेड इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फाइनली जेड प्लस 1 की वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड लिखा। प्यारे बच्चों हमें एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1 और जेड प्लस 1 की जब वैल्यू पता लगी है तो आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा है। अब मैं इन डेटाओं को पुट करके जब इस क्वेश्चन में सोल्व करता हूं तो आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से कैलकुलेट होगा।
जैसे हम इसके अंदर रखते हैं तो ये डेटा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, एक्स अपॉन क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगेन यहां आप क्या बोलेंगे, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन फिर हम क्या बोलने वाले हैं, जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यदि इन तीनों डेटाओं को गौर करके देखा जाए तो इन तीनों डेटाओं का जो डेटा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो कॉमन है। अब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ डेटा यदि कॉमन है तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या निकल के आएगा, बोलो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा तो हम डेटा से जब डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं तो सेम डेटा हमारा ऊपर निकल के आ रहा है। अब जब डेटा ऊपर और नीचे मेरा इक्वल है तो फाइनली मुझे क्या करना चाहिए, डेटाओं को कैंसिल आउट कर देना चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड से कैंसिल होगा और इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर निकल के आएगी, एक के बराबर निकल के आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को एक या दो बार और ट्राई करना है जिससे कि इस क्वेश्चन के बारे में आपके जो बेसिक फंडामेंटल है वो एकदम क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को आगे, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट। अब यदि हम इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो आप देखिए इस डेटा को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कैसे भी करके मुझे ए बी सी डी की वैल्यू पता लग जाए, और ए बी सी डी की वैल्यू जब पता लग जाएगा तो क्वेश्चन कैलकुलेट करना आपका आसान हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने आपसे यही कहा था यदि आपका क्वेश्चन पुटिंग मेथड से डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट अप्रोच जो लगानी है पुटिंग मेथड ही लगानी है। आओ देखते हैं इसमें पुटिंग मेथड कैसे लगेगा। मुझे ए और बी का ऐसा मान मानना है जिससे कि इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाए, दो के बराबर हो जाए। तो देखो दो बातें, या तो हम ए की वैल्यू 1/√2 और बी की वैल्यू 1/√2 मान लें, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 + 1/2, देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी आपको वैल्यू माननी तो आप क्या मानेंगे, इसकी कुछ ऐसी वैल्यू मानते हैं जिससे आप देखो यदि मैं इसकी 1/2 मानते हैं तो आपका आंसर नहीं मैच कर रहा। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करें कि ए और जो बी है इस ए और बी की मैं वैल्यू जो है वो बराबर मानूं, और बराबर किसके मानूं, एक के बराबर मानूं। ऐसा मानने से मेरा क्या होगा, 1 + मैं 1 करूंगा तो 1 + 1 मेरा क्या हो जाएगा, 2। तो मुझे ये बात समझ में आई अगेन कि ए और बी की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं तो मेरा 1 + 1 क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। अब देखिए ऐसे सी और डी की वैल्यू मैं पुट करके कैलकुलेट करूं तो यदि मैं सी की वैल्यू 1 पुट करूं और डी की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो आप देखिए 1 + 0 यहां हम रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1। या आप क्या कर सकते हो, सी और डी की वैल्यू 1/√2 भी रख सकते हो, 1/√2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 1/2 + 1/2 देन इक्वल्स टू 1। ठीक, हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटा भी नहीं माना जिससे मानने में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। अब आपको इस बात को समझ में आ गया, ये जो मैंने डेटा लिखे हैं ये सब मेरे एज्यूम किए गए डेटा हैं, माने गए डेटा हैं। जैसे मैंने इन डेटाओं को एज्यूम किया है तो प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा ए की जगह हम वैल्यू रखेंगे 1, डी की जगह हम वैल्यू रखेंगे 0 माइनस बी की जगह रखेंगे 1 और सी की जगह रखेंगे 1। इस पूरे डेटा का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू सी, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 1 प्लस बी इंटू डी, बी की वैल्यू 1 डी की वैल्यू 0, इसका भी हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर। 1 × 0 करता हूं तो इसकी वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी, 1 × 0 का मतलब क्या निकल के आएगा, 0। यहाँ क्या निकल के आएगा, -1। यहाँ देखते हैं तो 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। प्यारे बच्चों -1 का हम स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर हम सब जानते हैं कि -1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 होगा। अगेन यह मेरा 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1। 1 + 1 इन दोनों डेटाओं को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों डेटाओं का सम मेरा क्या निकल के आएगा, 2। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको अप्रोच यूज करनी थी पुटिंग मेथड। यदि आप पुटिंग मेथड अप्रोच यूज करते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है एक्स की वैल्यू 4ab / a + b, और आपसे ये क्वेश्चन की वैल्यू पूछी गई है और कंडीशन दी गई है कि ए किसके बराबर नहीं है, बी के बराबर नहीं है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बहुत लैंग्वेज के अंदर। अब यदि हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करें तो देखो, या तो आप इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है एक्स की सीधा हमें पुट करें। अब आप एक बार सोच कर देखो, यदि मैं एक्स की वैल्यू सीधा इसके अंदर पुट करता हूं तो मेरे लिए क्वेश्चन को कैलकुलेट करना एक कॉम्प्लेक्सिटी जैसी क्रिएटिव हो जाएगा।
अ कॉम्प्लेक्सिटी यदि क्रिएट ना हो तो इस क्वेश्चन को इजी वे में तरीका सोल्व करने का क्या हो सकता है, तो सोचिए देखिए। अब यदि हम क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से सोल्व करेंगे, अभी यह क्वेश्चन आपका चुटकियों में सोल्व होने वाला है, क्या करना है, क्या हम इस क्वेश्चन में कोई ऐसी अप्रोच लगा सकते हैं जो हमने पहले पढ़ी है, दिमाग का जोर डालो। आपके दिमाग पर जैसे आप जोर डाल रहे होंगे तो आपके दिमाग में देखिए मैं आपको क्ल्यू देता हूं कि देखो प्लस और सेम डेटा क्या हो रहा है, माइनस, ऊपर योग हो रहा है नीचे अंतर हो रहा है, तुरंत दिमाग में घंटी बज रही होगी क्या कि आपको क्या लगा देना चाहिए, योगांतर अनुपात। क्या मैं इस फॉर्म को योगांतर अनुपात की फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे इसका रेशियो एक्स अपॉन टू ए की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, और जैसे मैंने एक्स अपॉन टू ए की फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया ऐसे ही मैं इसको एक्स अपॉन टू बी की फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहूंगा। अब आप जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपका डेटा एक्स बाई टू कॉमन निकल के आ रहा है, और यदि हम अंदर की बात करें तो अंदर मेरा डेटा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की फॉर्म में आएगा। डेटा निकल के आया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, और जैसे हमने आगे बढ़े तो इसको हम आगे देखिएगा एलसीएम निकल के आया आपका ए बी, और ऊपर ऐड करते हैं तो हमारा निकल के आया ए प्लस बी। तो प्यारे बच्चों इस एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, और एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दी गई है, 4ab अपॉन ए प्लस बी। इस श्रृंखला को हम जैसे ही आगे बढ़ाते हैं तो हमारे दिमाग में फिर दिल की धड़कन बढ़ती है, और डेटा कुछ कटने को आसूत होता है, और डेटा कटने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो तुरंत फीलिंग आई कि यार ए बी से क्या कट गया, ए बी कट गया, और ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हुआ। ऐसा कटने पर ये जो आपके वेरिएबल नंबर है उनकी कहानी खत्म, और फाइनली आपने देखा कि मेरा 2 4 को डिवाइड कर रहा है मात्र 2 बार, और मेरा आज का जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, 2। ये आपका आज का फाइनल आंसर। तो आपको क्वेश्चन बहुत बेहद तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको यहां पर जिसने ये अप्रोच नहीं लगाई वो इस क्वेश्चन में फंस जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिए आपको इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लगानी है। अप्रोच नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव, इतना कॉम्प्लेक्स या इतना लेंथी हो जाएगा कि आपके 3-4 क्वेश्चनों को ले गिरेगा। तो आपको इन चीजों से बचना है, तो अपनी स्मार्टनेस को बढ़ाना है। तो क्लियर है बात, तो आप एक बार इसको नोट कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हम इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम प्लस 1 अपॉन एम माइनस 2 इक्वल टू आपको दिया गया 4। अब यदि हम इसकी बात करें, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें, तो आप प्यारे बच्चों देखिए क्या मैं इस 4 को 2+2 लिख सकता हूं क्या? सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाता हूं, और 2 को जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो एम माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एम माइनस 2 की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई, 2। प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 2 है, और इसी का ही आपसे स्क्वायर पूछा गया है। अब इसी का ही आपसे स्क्वायर पूछा गया है तो आपका क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो गया होगा। अब आपको ऐसा कुछ मानना है जिसको यहाँ रखने पर इसकी वैल्यू 2 आ जाए, या फिर आपको मैंने नहीं तो एक नोट बना के लिखा है, नोट में मैंने क्या बताया, यदि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ए हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो आपकी वैल्यू हमेशा ए स्क्वायर माइनस 2 आएगी। यदि हम इस बात को फॉलो करते हैं तो प्यारे मेरे मित्रों 2 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे और 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया तो मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, 2, जो आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई हो और आपसे स्क्वायर की फॉर्म में पूछे तो उसका सीधा ही जो शॉर्टकट निकल के आता है उसका शॉर्टकट ए स्क्वायर माइनस 2 आता है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0, और आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हम एक काम करें ए स्क्वायर के टर्म्स एक साथ लिखें और बी स्क्वायर के टर्म्स एक साथ लिखते हैं। देखिए अब जैसे मैं ए स्क्वायर के टर्म्स एक साथ लिखूंगा तो ए स्क्वायर प्लस 4a आपको ये दिखा, ऐसे मैं आगे बात करूं तो बी स्क्वायर प्लस 2b आपको एक साथ दिखा।
अब मेरे पास जो डेटा बचा वो क्या बचा, 5। तो इस 5 को कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट करें जिससे कि एक द्विघात समीकरण जैसी बन जाए, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? यदि हम इस डेटा को गौर करके देखें तो यहाँ 2ab की फिलिंग आती है, 2 × 1 × v। और यदि हम इस बात को देखते हैं तो मेरा यहाँ डेटा जो होना चाहिए किसका स्क्वायर होना चाहिए, 1 का स्क्वायर। अब यदि इस होल स्क्वायर की टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं, सोचते हैं, तो यहाँ जो डेटा निकल के आ रहा है 2 × 2 × a 2ab। तो हम इस डेटा को जैसे ही आगे बढ़ाते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि यार इस डेटा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस 2 का स्क्वायर करना चाहिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। इस पूरे की जो वैल्यू दी गई है वो आपकी 0 दी गई है। अब प्यारे बच्चों जब हम इस बात को देखते हैं तो आप बताइए ये जो डेटा है मेरा क्या a प्लस 2 का होल स्क्वायर बना या नहीं बना? ऐसे ही ये मेरा डेटा b प्लस 1 का होल स्क्वायर बना और इन स्क्वायर्स का सम की जो वैल्यू निकल के आई वो 0 आई। और हम अच्छी तरह से जानते हैं जब ऐसा कोई सीन बने तो आपको इनकी वैल्यू 0 बनानी है, इसलिए a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू क्या लिखेंगे, -1। a और b की जब वैल्यू हमें पता लगा, अब हम इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू मेरी -2 है, बी की वैल्यू मेरी -1 है अपॉन -2 प्लस -1। माइनस माइनस प्लस, तो -2 जो प्लस 1 करेंगे तो मेरे ऊपर रिजल्ट आएगा -1, या -2 और -1 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -3। अगेन माइनस से माइनस कैंसिल आउट और मेरी जो फाइनल वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के, प्यारे बच्चों 1/3, जो आपको बहुत इजी वे में समझ में आया होगा कि 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, x माइनस वाई इक्व टू एक्स प्लस 1/7 इक्व टू एक्स वाई डिवाइड बाई आपको दिए गए 4। देन आपसे पूछा गया एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या समझना चाहिए कि इन तीनों का रेशियो जो है वो बराबर है और किसी न किसी की रिजल्टेंट वैल्यू के बराबर होगा, किसी न किसी की रिजल्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, k के बराबर है। तो इस बात को यदि हम कंपेयर कराएं तो इस बात को देखने के बाद पता लग रहा है कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, k के बराबर, और x प्लस वाई के लिए डिस्कस किया जाए तो वो किसके बराबर है, 7 के। तो मैं इन दोनों समीकरणों की हेल्प से क्या x और y का मान निकाल सकता हूँ? यदि मैं इन दोनों समीकरणों का सम कर देता हूँ तो इन दोनों समीकरण का सम करने पर x प्लस एक्स 2x की वैल्यू 8k के बराबर होगी, देन x की वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी, 4k। अगेन यदि मैं इन दोनों समीकरणों को आपस में माइनस कर देता हूँ तो आपस में माइनस करने पर 2y की वैल्यू 6k के बराबर निकल के आ रही है एंड y की जो वैल्यू है वो 3k के बराबर आ जाएगी। तो मुझे प्यारे बच्चों ये पता लगा कि x की वैल्यू 4k है, y की वैल्यू मेरा 3k है। अगेन मुझे डेटा किया दिया, डेटा जो है वो दिया गया कि एक्स वाई अपॉन 4, जिसको भी हम किसके बराबर बोल रहे हैं, k के बराबर। क्या मैं एक्स वाई का डेटा उठाकर यहाँ रख सकता हूँ? एक्स वाई का जब डेटा हम यहाँ उठाकर रखते हैं तो प्यारे बच्चों देखो एक्स वाई इक्व टू आपका 4k निकल के आ रहा है। और जब एक्स वाई की वैल्यू 4k है तो आप देखिए 4k इंटू 3k इक्व टू 4k, जैसे कि हमने यहाँ से डेटा निकाला 4k से 4k कैंसिल आउट। अगेन मैं इस बात को देखकर बोल सकता हूँ कि k की जो मेरी वैल्यू निकल के आई उस k की वैल्यू मेरी कितनी है, 1/3। आपसे पूछा गया कि एक्स वाई का मान क्या है, और एक्स वाई का मान यदि आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, 4k के बराबर, जहाँ k की वैल्यू क्या है, 1/3। और यदि k की वैल्यू 1/3 है तो मैं बोलूँगा कि एक्स वाई इक्व टू 4 × k, k की जगह 1/3 रखेंगे। अगेन मैं बोलूँगा कि x इंटू वाई बराबर 4/3, इसका एक फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो बस आपको इस क्वेश्चन को आसान तरीके से ये समझना था, इस क्वेश्चन में मेन बात ये थी कि आपको कोई एक ऐसा डेटा मानना था जो तीनों के बराबर हो, जैसा कि क्वेश्चन में बराबर बोला गया है, और उस वैल्यू को आपको पुट करके वैल्यू की वैल्यू निकालनी है। और जैसे आपको वैल्यू की वैल्यू निकल कर आ जाए
जैसे कि हमारी 1/3 आई है, तो तुरंत हमें एक्स वाई की वैल्यू 4k में k की वैल्यू पुट करके एक्स इंटू वाई का मान 4y3 निकालना है, जहाँ हमें ये पता लगा जो हमने k एक कॉन्स्टेंट रखा उस k का जो मान है उस k का मान 1/3 है। एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता लग रहा है कि तीन डेटाओं का सम 0 के बराबर है और आपसे एक इक्वेशन की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इन डेटाओं का क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। इन डेटाओं का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा, एक्स वाई जेड निकल के आएगा। एलसीएम जब एक्स वाई जेड आएगा तो इसको कैलकुलेट करने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या निकल के आ रहा है, जेड क्यूब। अब हम इस क्वेश्चन को आगे कैसे कैलकुलेट करें, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको एक नोट बना के दिखाया है, यदि तीन डेटाओं का सम 0 के बराबर हो और आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछे तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू 3abc होती है। ऐसा शॉर्टकट हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा भी है और पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। अब यदि इन बातों को हम फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम बोलेंगे 3 × x × y × z / xyz। अगेन xyz से xyz कैंसिल आउट, मेरा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, 3। बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको इस टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको ये टर्म्स पता है तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना बहुत ही बेहद आसान है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अगेन हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा बच्चों, अब यदि हम इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो देखो आपको जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके सामने कंडीशन दी गई है तीन डेटाओं का सम किसके बराबर है, 0। तो देखो इसमें क्यूब बाय टर्म्स होती तो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसको हम कैलकुलेट कर लेते, मतलब वो मेथड हम अप्रोच करते, पर ऐसा कुछ क्वेश्चन में तो आपको दिया गया नहीं है कि क्यूब जैसी बातें। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ वैल्यू पुट करना है, मतलब आपको एक पुटिंग मेथड लगाना है जिससे यहां रखने पर इन तीनों का सम क्या निकल के आ जाए, 0 निकल के आ जाए। तो प्यारे बच्चों आपको इन तीनों का सम 0 निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी एक बेसिक बेसिक बातें इनकी मान लेनी चाहिए जिससे भी इन तीनों का सम 0 निकल के आ जाए। जैसे कि मैंने ए की वैल्यू 1 मानी, बी की वैल्यू 1 मानी एंड सी की वैल्यू मैंने क्या मानी, -2। मैं 1, 1 और -2 मानता हूं तो इन तीनों का जो मेरा सम निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। और जब इन तीनों का सम मेरा 0 निकल के आ रहा है तो मैं इन क्वेश्चनों को कहां पुट करूंगा, इस डेटा के अंदर पुट करूंगा। तो देखिए इस डेटा के अंदर हम कैसे पुट करते हैं, 1 + 1 and 1 - 2, अगेन 1 + -2 × b + a, 1 + 1 c + a, -2 + 1 and b + c, -2 + 1। अब वैसे हम इस डेटा को केवल कैलकुलेट करने वाले हैं, देखिएगा 1 + 1 2 और ये क्या है, -1, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1/-2। यहाँ देखें तो -1 ये 2, तो यहाँ भी डेटा क्या आया, 1/2 माइनस के, माइनस का वन, -1 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +1। अगेन यदि हम इन दोनों डेटाओं को ऐड करके देखते हैं तो इन दोनों डेटाओं का सम जो निकल के आ रहा है वो मेरा -1 निकल के आ रहा है, और जब इन दोनों डेटाओं का सम मेरा -1 निकल के आ रहा है तो प्यारे बच्चों -1 में जैसे ही मैं +1 करूंगा तो इन दोनों डेटाओं का सम जो निकल के आएगा वो किसके बराबर निकल के आएगा, 0 के बराबर निकल के आएगा। और जब इस डेटाओं का सम 0 के बराबर निकल के आएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हुआ। बस आपको इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच यूज करनी थी, पुटिंग मेथड अप्रोच यूज करना था। यदि आपने पुटिंग मेथड अप्रोच यूज कर लिया तो इस क्वेश्चन का गढ़ जीत लिया, और इस क्वेश्चन का गढ़ जीतना है तो आपको पुटिंग मेथड यूज करना ही करना है। तो बेहद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बस आपको क्वेश्चन को पुटिंग मेथड को ऐसे गले लगाना है कि क्वेश्चन देखे सीधा गायब, डायरेक्ट आपका आंसर तैयार। एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b + c = 0। देखो ये भी क्वेश्चन भी आप किस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल पुटिंग मेथड से कर सकते हो। कैसे, आपके तुरंत दिमाग में आ रहा होगा यार कि मैं इस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन कर रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू क्या माननी चाहिए, -2। इन तीनों की वैल्यू पुट करने पर मेरी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0। बस आपने जब इस बात का पता कर लिया बस क्वेश्चन आपके लिए हो अब आसान।
अब जैसे आपके लिए क्वेश्चन आसान की बात कर रहे हैं तो देखिएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस के टू। देखिएगा वन प्लस माइनस का टू का स्क्वायर आपका फोर आएगा, वन प्लस फोर डिवाइड बाय माइनस प्लस माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, तो प्लस टू प्लस वन, जैसे हम वन में प्लस टू करेंगे तो कितना आएगा थ्री, तो फोर प्लस वन फाइनली सिक्स, सिक्स डिवाइड बाय थ्री, जैसे मैं सिक्स को थ्री से डिवाइड करूंगा तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आंसर निकल के आएगी, टू। वो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा, बस आपको क्वेश्चन इजी बिल्कुल लगने लगेगा, बस आपके सोचने का तरीका चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन है एलजेब्रा का डर भगा दीजिए, और डर जब भी भगेगा कुछ बेसिक कंसेप्ट आप तैयार रखें और पुटिंग मेथड को आप इस तरह से अपने दिल और दिमाग में बैठा लें कि जिससे कि क्वेश्चन में सीधा पुट करें और डायरेक्ट आपका क्या निकल के आए, आंसर निकल के आए। पर वो जब ही पॉसिबल है जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चनों की क्या करोगे, प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आंसर नहीं निकलने वाला, पुटिंग भी मेथड यूज नहीं कर पाओगे, पता ही नहीं लग पाएगा कि आप क्या पुट करने वाले हो। आई बात समझ में? तो अगेन मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आपको पुटिंग मेथड के लिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो कंसेप्ट क्लियर करते रहो, मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो, इस तरह से आपको क्वेश्चनों में आगे मजे आते ही ऑटोमेटिकली जब ही रहेंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम अगेन एक क्वेश्चन के बारे में इसके आगे बात करते हैं। देखिएगा कि क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस एट इक्व टू आपका दिया गया है जीरो, और पूछा गया है एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिएगा कि मुझे एक्स वाली टर्म्स पहले एक तरफ लिखनी है, वाई वाली टर्म्स हमें एक साथ लिखनी है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है केवल डेटा ही चेंज था। अब यदि हमारे दिमाग में यदि ये बात आती है तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई, अब मेरे पास जो डेटा बचा वो एट बचा, अब इस एट को मैं कुछ इस प्रकार तोड़ू कि यहां पर मैं उसको सेग्रीगेट कैसे करूंगा। तो देखिएगा मुझे यहां पर होल स्क्वायर बनाने के लिए टू चाहिए था, एक्स्ट्रा क्या निकल के आ रहा है टू, तो मुझे क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, इस टू का क्या कर देना चाहिए, स्क्वायर कर देना चाहिए। ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं तो यहां आप देखते हैं तो टू इंटू टू, और अगेन यदि टू मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं टू का स्क्वायर फिर लिखूंगा। यदि मैं इस बात को ध्यान देता हूं तो आप इस बात को एक बार गौर करके देखिएगा कि ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, और अगेन ये डेटा भी किसी का होल स्क्वायर है क्या। अब यदि ये डेटा होल स्क्वायर है तो किसका होल स्क्वायर है, आपके दिमाग में तुरंत पिक्चर क्रिएट हो गई होगी कि ये डेटा x माइनस टू का होल स्क्वायर है, आगे वाला डेटा y माइनस टू का होल स्क्वायर है, जिन स्क्वायर्स का सम जीरो के बराबर है, और इनके स्क्वायर्स का सम जब जीरो के बराबर है तो प्यारे बच्चों आप इस x की वैल्यू तो टू पुट करोगे और y की वैल्यू भी टू पुट करोगे, क्योंकि टू रखने पर इसकी वैल्यू भी जीरो और इसकी भी वैल्यू जीरो, हमारा काम भी सेट। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि x माइनस y का मान क्या होगा, और तो x माइनस y का मान निकालने के लिए x और y का जैसे ही हम मान रखते हैं तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जीरो। बस आपको इस बात को समझना है कि मुझे होल स्क्वायर बनाना है, और होल स्क्वायर बनाने के लिए एक छोटी सी मिनिमम कंडीशन क्या है, 2a भी तो आएगा ही आएगा, चाहे प्लस का होल स्क्वायर हो चाहे माइनस का होल स्क्वायर हो। क्या आपको इस बात को समझ में आया, को बस दो बेसिक बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि बच्चों आपने मेरी पिछले वाली वीडियोस नहीं पढ़ी है, बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर नहीं है, तो प्लीज आपसे आप ही के लिए रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो वन से लेकर वीडियो फोर तक की जो मैंने वीडियो आपकी यूट्यूब चैनल पर जो अपलोड की है उनमें केवल थ्योरी वाला पार्ट है, फिफ्थ से लेकर हम इस वीडियो तक सभी क्वेश्चन जो वीडियोस डाल रहे हैं उन सभी में हम रेगुलर कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपडेट करते हैं डाल रहे हैं, जो आपकी प्रीवियस एग्जामों से लिंक बनाते हुए क्वेश्चन से, जो कहीं ना कहीं कोई पटवार पुलिस एसएससी एनटीपीसी सीपीओ एसआई कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन एलडीसी में किसी में भी टकराया हुआ क्वेश्चन से। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर अगेन हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर x, y और z का मान दिया गया है, और मान देने के बाद आपसे इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। तो देखो ये क्वेश्चन तो ये चाहता है कि आप x का मान यहां रखो, y का मान यहां रखो, z का मान यहां रखो, अगली बार फिर दोबारा एग्जाम देने हो, क्या अगली बार दोबारा एग्जाम देनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले इस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को इजीली जब कैलकुलेट कर पाऊंगा
कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना चाहिए, इन तीनों डेटाओं को ऐड करके देखना चाहिए। जब मैं इन तीनों डेटाओं को ऐड करके देखता हूँ तो प्यारे बच्चों इन तीनों को ऐड करके हम देखें, इन तीनों को जब हम ऐड करके देखते हैं तो x प्लस वाई प्लस जैसे हम z की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिएगा इन तीनों को ऐड करने पर आपका वैल्यू जो निकल के आ रहा है 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c आ रहा है। और जब ऐसा आ रहा है तो प्यारे बच्चों a से 2a, b से 2b, 2c से 2c, और इसी बात पर डायरेक्ट क्या खुशी मिली कि इन तीनों का योगफल क्या निकल के आया, जीरो। मतलब आपको एक सीन तो क्लियर हो चुका कि यार इन तीनों का सम क्या आएगा, जीरो। पर इन तीनों का सम जीरो आएगा पर ऐसा उस क्वेश्चन ने तो कहीं पूछा ही नहीं है, इस क्वेश्चन ने तो इस तरह की बातें पूछी है। तो प्यारे बच्चे काम कीजिए, इस एक्स वाई को देखकर आपके दिमाग पर तुरंत घंटी बजनी चाहिए कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, इन दोनों तीनों डेटाओं को मैं एक साथ लिख दूं तो क्या ये x प्लस y का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो मेरे दिमाग में क्या बात आई कि मुझे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस z स्क्वायर को ऐसे लिखना चाहिए। अब जैसे ही मैंने इस डेटा को कैलकुलेट किया तो देखिएगा ये डेटा मेरा क्या निकल के आ रहा है, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस डेटा क्या निकल के आ रहा है, z का स्क्वायर। अब यदि इस डेटा को गौर करके देखा जाए तो यहाँ डेटा, इस डेटा के अंदर आप देखें तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी बात आ रही है जिसकी वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और जब हम इस बात को समझते हैं तो प्यारे बच्चों आप इस बात को देखिए, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड को यदि हम गौर करके देखते हैं तो आप देखिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी क्या निकल के आई, जीरो। और जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो है तो इस बात को हम आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए इस डेटा की जगह हम लिख देते हैं जीरो, और जीरो को यदि ब्रह्मा जी से भी गुणा कर दें, ये तो बेचारे नंबर है x y z, अरे ब्रह्मा जी से क्या तुमसे मेरे से भी गुणा कर दोगे, तो जीरो को किसी से भी गुणा करने पर मेरा जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा, जीरो। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन की साइज पर नहीं जानी है, इसकी अकल लगानी है। अकल क्या लगानी है, तीनों को जोड़ना है, जोड़ते ही आपको पता लगेगा जीरो। और इस क्वेश्चन में फंसने वाली बात ये थी कि आप डायरेक्टली यदि इस क्वेश्चन में डेटा को पुट कर देते तो आपका आंसर कैलकुलेशन बाइक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने का बेहतरीन तरीका कि आपको इन तीनों डेटाओं को एक साथ रखकर होल स्क्वायर बनाना था और इस डेटा को अलग लिखना था। क्या आपको ये बात समझ में आई, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अगेन एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है, रूट थ्री, और आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस पॉइंट को यदि हम ध्यान देते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रूट थ्री है। अब एक बात बताओ, जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता हो तो मैं क्या इसके थ्रू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। मैंने आपको ये बात लिखाई है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू ए क्यूब माइनस थ्री ए निकल के आएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो रूट थ्री का आप क्यूब करोगे माइनस थ्री इंटू ए करोगे, जैसे इसको कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, जीरो। अब यदि हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो आप देखिएगा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गुणा करेंगे तो एक्स की पावर सिक्स प्लस वन, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, जीरो के बराबर। अब यदि एक्स की पावर सिक्स प्लस वन की वैल्यू यदि जीरो के बराबर है तो आप देखिएगा कि आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यदि मैं इन दोनों बातों को गौर करके देखूं तो x की पावर 18 प्लस x की पावर 12, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर 12, इन दोनों में यदि मेरा x की पावर 12 कॉमन आ रहा है तो आप देखिएगा x की पावर 12 कॉमन आने के बाद आपके पास जो अंदर का जो डेटा बच रहा है x की पावर 6 प्लस 1 बचा हुआ है। अगेन यदि मैं यहां इन दोनों डेटाओं पर गौर करके देखूं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो मैं x की पावर 6 प्लस 1 लिखने वाला हूं। अब इस बात को देखिए कि x की पावर 6 प्लस 1 की तो वैल्यू जीरो है, यदि मैं इसकी वैल्यू जो जीरो दी गई है और जीरो का यदि मैं यहां पुट करूं तो आप देखिएगा इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की पावर 12 इंटू जीरो प्लस 1 इंटू जीरो
अगेन 0 प्लस 0 और मेरा फाइनली जो आंसर निकल के आया वो भी क्या निकल के आया, 0। डिपेंड करेगा कि आप क्या इस अप्रोच से, क्या इस अप्रोच तक पहुंच पा रहे हैं क्या। यदि आपने इससे यहाँ इस अप्रोच पर पहुंच गए तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, पर शर्त यह है कि x से आपके दिमाग में क्यूब के बारे में घंटी बजनी चाहिए। यदि क्यूब के बारे में घंटी नहीं बजी तो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, क्वेश्चन आपका टफ होने लगेगा। तो देखो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास मैंने इसमें कवर किए हैं और कोशिश की है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कवर किए। ये क्वेश्चन मैंने वही सोल्व करवाए जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पर आए हैं। तो आपसे आप ही के लिए रिक्वेस्ट है, आपसे आपके लिए रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि आप ही को एग्जाम देनी है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार पूरे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, एक बार इनको बिना देखे करें और फिर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आता है तो इनको आप देख के सोल्व करें। हाँ, इसके अलावा यदि आप कोई बुक रेफर कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिस सोल्व कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन आपसे एलजेब्रा का नहीं हो रहा है तो आपके पास क्वेश्चन भेजने का तरीका है क्या, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन की फोटो आप खींचें, आप उसको अपलोड करें, अगेन जिससे कि हम जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके अंदर वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा पाएं। और यदि सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन, नेक्स्ट जो मैं वीडियो आपको अपलोड करता रहूं वो आप उसके पास, आपके पास डायरेक्टली इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।